नमस्कार, धनतेरस पर आपके तारे की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस त्योहार है सुख समृद्धि का, धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। क्योंकि कुछ भी हो, पैसा अगर जिंदगी में सब कुछ नहीं, बहुत कुछ जरूर है। तो कैसे धन की देवी को प्रसन्न करके घर में पैसा आए, सुख समृद्धि शांति आए, इस पर हम इस खास एपिसोड में बात करेंगे। अलग अलग राशियों पर किस तरह से ये त्यौहार असर डालेगा और कैसे आपको धनतेरस पर क्या करना है जो कभी धन धान्य की कमी आपके और आपके घर में ना हो, और सब कुछ होगा ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। धनतेरस एक त्योहारों की परंपरा की शुरुआत है, एक कड़ी है। इसके बाद त्योहारों का एक लंबा सिलसिला चलता है, उनकी हम बात आगे भी आपसे करेंगे। इस एपिसोड में हमारी कोशिश यह है कि किस तरह से आप धनतेरस के दिन कैसे उपासना करें, इस दिन के बाद के दिन आपके जीवन में कैसे आने वाले हैं, कैसे धन दौलत को आपको सहेजना है, पाना है, धन की देवी का वरदान हासिल करना है। ज्योतिष गुरु, समझना चाहेंगे हम आपसे कि ये जो धनतेरस है, ये तो हम आपसे जानेंगे ही कि अलग अलग राशियों पर ये किस तरह से असर डालेगा और इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं। ये त्योहारों की एक कड़ी की शुरुआत मानी जाती है। हम सब धन दौलत सुख समृद्धि की तमन्ना करते हैं। हमारी परंपरा और आस्था से जुड़े कई तरह के व्रत, पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा का विधान दिवाली से जुड़ा हुआ है। धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कई तरह से की जाती है। दरअसल इस पूजा का विधान 5 दिन का है। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजा से जुड़े पहले 2 दिन के, जिसमें धनतेरस और नरक चतुर्दशी शामिल है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि धनतेरस का त्यौहार अलग अलग राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। त्यौहार हम सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आता है, हम ही नहीं समझ पाते हैं, हम ही से कुछ चूक हो जाती है। तो कोई चूक नहीं होगी इसके बाद के जो दिन आपके जीवन में आ रहे हैं, कैसे धन दौलत सुख समृद्धि आपको जीवन में खुशियां आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले धनतेरस आपसे क्या कहता है? मेष राशि वालों के लिए 2017 का वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर फरवरी 2017 से ऐसा संयोग बनेगा जब आपकी मेहनत से पैसे का आगमन बढ़ेगा। अभी से लेकर जनवरी तक आपका फोकस अच्छा है, आप मेहनत भी कर पाएंगे और उसी से अपनी समृद्धि को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी से जनवरी 2017 तक आपकी प्लानिंग में जो कमी है उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी। फरवरी 2017 से आर्थिक समृद्धि का सुंदर योग बनेगा, लेकिन कुछ हद तक अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। 2017 में जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए फरवरी और मार्च 2017 में अपने खर्चों को बहुत संभालने की जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन आने वाले 3 महीने तक अपनी बचत को थोड़ा संभालने की जरूरत है। नवंबर और दिसंबर 2016 में आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें संभालना होगा। फरवरी 2017 से आगे बढ़ता हुआ समय कुछ ऐसा दर्शाता है कि कामकाज को भी संभालना है और अपने पैसे को भी संभालना है। पैसे से जुड़ी कोई गिरावट का समय नहीं है, लेकिन जिंदगी में आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे और आपको अपने फोकस को थोड़ा और बेहतर करना होगा। कुल मिलाकर आने वाला वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी जरूरतों को पूरा करता रहेगा, ये एक बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन काम काज में और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्या बात है, जो ये एपिसोड है वही धनतेरस का त्योहार भी आपसे कह रहा है कि सुख समृद्धि लेकर आएगा ये साल आपके लिए। तो अभी से हमारी शुभकामनाएं। ज्योतिष गुरु, ये जो धनतेरस है, धन त्रयोदशी, ये है क्या, ये त्योहार क्या है? धनतेरस या धन त्रयोदशी दीपावली की 5 दिन के त्यौहार का पहला दिन है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन बर्तन या सोने चांदी के गहने इत्यादि के खरीदने का रिवाज है, जिन्हें धन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन वैद्यों के वैद्य और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस की रात को दीप जलाकर लक्ष्मी पूजन का शुभारंभ किया जाता है। दीप प्रज्वलन का यह सिलसिला 5 दिन तक बनाए रखना चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बाकी राशियों, यानी मिथुन और कर्क के लिए धनतेरस का त्योहार क्या खास सौगात लेकर आया है और कैसे आपको धन की देवी को प्रसन्न करना है, ये जान लेते हैं। मिथुन राशि वालों को नवंबर के महीने में अपने पैसे को बहुत संभाल के चलाना होगा, ताकि कोई गलती ना हो और आपका पैसा ना फंसे कहीं।
दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में सुंदर समय है जब आपकी आर्थिक स्थिति आपको बहुत मदद करेगी। वैसे भी फरवरी से खर्चों की स्थिति कुछ काबू में आ जाएगी, जो एक बड़ा आशीर्वाद है। कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि 2017 का वर्ष आपकी सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। कर्क राशि वालों को इस समय अपनी आर्थिक स्थिति से कुछ असंतोष बना रहेगा, लेकिन 2017 के मध्य के बाद अपने पैसे की स्थिति को लेकर आपके विचार बदल जाएंगे। मार्च 2017 के बाद आपकी प्रेरणा और जगेगी, जिसके चलते आपकी मेहनत से आपको और लाभ मिलेगा। अपने रोजमर्रा के खर्चों को काबू में लाने की आदत बनानी होगी आपको। तो धनतेरस यानी धन त्रयोदशी आपके लिए भी बहुत शुभ है। बस एक खास बात है, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उन पर एक नजर रखनी होगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें या छोटी छोटी गलतियां हम अपने जीवन में कर देते हैं वही आगे जाकर एक मुसीबत बनती है। तो त्योहार तो आपके लिए शुभ है ही, बस इन छोटे छोटे जो खर्च हैं आपके रोज के उन पर नजर रखिए और आगे बढ़िए जीवन में। हम भी आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि की। धनतेरस का त्योहार क्या कहता है सिंह और कन्या से? सिंह राशि वालों की धन की स्थिति ठीक है और आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत मददगार है। आप विचारों में और अपने पैसे से जुड़े फैसलों में थोड़ा इम्पल्सिव होते जा रहे हैं, जिसे थोड़ा संभालना होगा। जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक अपने पैसे की प्लानिंग को और सुधारने की जरूरत है। अप्रैल 2017 के बाद आगे बढ़ता हुआ समय आपकी सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, जिसके चलते आपकी मोटिवेशन में और इजाफा होगा। काम में मन लगेगा, जिससे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कन्या राशि वाले अब से लेकर जनवरी 2017 तक अपनी ओर से अपनों की मदद कर पाएंगे और पैसे से जुड़े हालात इसमें आपकी सहायता भी जरूर करेंगे। सुंदर सुखद समय है, जिससे जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। लोगों की मदद और समर्थन आपको भरपूर मिलेगा और कोई कमी नहीं है। फरवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक अपने पैसे की स्थिति को थोड़ा सा बचा कर चलाना होगा। मई 2017 से जुलाई 2017 के बीच आपके लिए धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है, इसके चलते कई नए विकल्प खुलेंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो धनतेरस का त्योहार आपके लिए कुछ नए विकल्प खोल रहा है, ये एक इशारा है आपके लिए, यानी ये विकल्प आपको सुख समृद्धि जीवन में दे सकते हैं। तो इन विकल्पों को ऐसे ही जाने मत दीजिएगा, इनका पूरा इस्तेमाल कीजिएगा और धन धान्य से परिपूर्ण होकर ज्योतिष गुरु को याद करिएगा कि उन्होंने आपको बताया था कि किस तरह से धनतेरस का त्यौहार आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है, लेकिन उस शुभता का फायदा आपको उठाना है। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु। अगला त्यौहार जो धनतेरस के बाद होता है उसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, ये क्या है? नरक चतुर्दशी दिवाली के त्यौहार का दूसरा दिन है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, इसे काली चौदस भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ काली ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस दिन भी रात को दीप जलाए जाते हैं और इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए, देखते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसे आपको क्या करना है ताकि धन की स्थिति, समृद्धि की स्थिति आपके जीवन में बेहतर हो। तुला राशि वालों के लिए अब से लेकर जनवरी 2017 तक आपकी परिस्थितियां शुभ बनी हुई हैं, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। इसी के चलते आपके पैसे की स्थिति और आपकी सुख समृद्धि जो है वो जरूर बढ़ेगी। फरवरी से लेकर जून 2017 के बीच में आपको अपने पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, ताकि आप अपने पैसे को किसी भी तरह के रिस्क में बिल्कुल ना डालें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत मददगार है और कोई कमी नहीं है। फरवरी 2017 से आगे बढ़ता हुआ समय आपकी मेहनत को और सुनिश्चित करेगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति में और बढ़ोतरी होगी। मई 2017 से जुलाई 2017 के बीच में अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। जुलाई 2017 से आगे बढ़ते हुए कामकाज से जुड़े जो भी असंतोष हैं वो भी दूर हो जाएंगे, जिससे जिंदगी को आप एक नए और आशावादी नजरिए से देख पाएंगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, एक नया नजरिया आपका खुल रहा है और जीवन में तरक्की के लिए आपका नजरिया ही सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होगा। और धन त्रयोदशी तो अपने आप में एक सकारात्मक त्यौहार है, एक नई ऊर्जा मन में आती है, उस ऊर्जा के साथ जीवन में कुछ करने का त्यौहार है। तो बस आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, ये हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धनु और मकर राशि,
अब आपको भी इंतजार होगा कि धनतेरस आपसे क्या कह रहा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये त्योहार आपसे क्या कह रहा है और फिर क्या है करना, क्या नहीं है करना, उसे भी नोट करना है। धनु राशि वालों को अब से लेकर जनवरी 2017 तक अपने खर्चों पर काबू पाना होगा। कुछ वेस्टफुल सी स्थिति है जिससे संभालने की जरूरत है। फरवरी 2017 के बाद आपकी मेहनत आपके धन लाभ को और सुनिश्चित करेगी। मार्च 2017 से जुलाई 2017 के बीच में अपने बढ़ते हुए खर्चों पर थोड़ा सा और कंट्रोल कर लीजिएगा, फायदा होगा। मकर राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि नवंबर 2016 से ही आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो रहा है। सुंदर योग है और यह संयोग देखिए जनवरी 2017 तक बखूबी चलेगा। फरवरी 2017 से आपको अपनी बचत को बचा कर चलाना होगा और किसी नए काम में बिल्कुल ना पड़े। अपनी बचत को बचाए रखना अनिवार्य है। जुलाई 2017 से सितंबर 2017 के बीच आप अपने पैसे को किसी खतरे में बिल्कुल ना डालें। आने वाले 3 महीने आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन है, इसका पूरा फायदा उठा लें। तो अगले जो 3 महीने धनतेरस के बाद आ रहे हैं उन पर बहुत नजर रखिएगा। ये 3 महीने आपके नामालूम कितने सालों को बेहतरीन बना सकते हैं। धन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगले 3 महीने, तो एक भी पल जाया मत कीजिएगा। ज्योतिष गुरु का इशारा है, आप जो चाहे कर सकते हैं, समृद्धि आप पर मेहरबान होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि 30 अक्टूबर का हमारा एपिसोड जो दिवाली स्पेशल है बहुत खास है। दिवाली त्यौहार होता है सारे अंधेरे को दूर करने का। अंधेरा अज्ञान का भी हो सकता है, अंधेरा नकारात्मकता का भी हो सकता है, सोच का भी हो सकता है। जब अंधेरा दूर होता है जीवन से, तब उजाला जीवन में दस्तक देता है, सकारात्मकता जीवन में आती है। तो जब आप सकारात्मक होंगे तब जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, नौकरी, व्यापार सब में आप तरक्की करेंगे। तो याद रखिएगा, बहुत खास होगा हमारा 30 अक्टूबर का एपिसोड। तो धनतेरस की इस खास पेशकश में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन साथ बने रहिएगा। राशियां अभी बाकी हैं, कुछ खास बातें भी बाकी हैं, क्योंकि धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम जितनी पुरानी अपनी मुश्किलें हैं धन से जुड़ी हुई, उनसे निजात पाकर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना ये करते हैं कि आगे धन धान्य में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको अपने लिए और अपनों के लिए जानना होगा कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु इस ब्रेक के बाद। राशि वालों के खर्चे नवंबर के महीने में अचानक बढ़ सकते हैं। वैसे भी आने वाला वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें आपको बहुत योजना बनाकर चलना होगा। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी भी तरह का रिस्क पैदा हो। पैसे के प्रति आपका फोकस फरवरी 2017 से बढ़ेगा, लेकिन खर्चों पर फिर भी एक नजर रखनी होगी। इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए पैसे को लेकर नवंबर 2016 का महीना ठीक है, लेकिन दिसंबर के महीने में थोड़ा बचकर चलना होगा। आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं जिससे परेशानी पैदा हो सकती है। फरवरी 2017 से आगे काम या कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी और उस तरह की इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा प्लान करके ही चलें। आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो नुकसान को लेकर चिंतित रहते हैं। इस स्थिति में सुधार होगा लगभग जुलाई 2017 के बाद। आने वाला समय कई रूप से मददगार है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो हालात हर तरह से आपका साथ दे रहे हैं और जब हालात साथ दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है धन के हालात भी आपका साथ देंगे। तो बस तैयारी कर लेनी है धनतेरस के बाद जीवन में आगे बढ़ने की, धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, सुख समृद्धि और शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। तो धनतेरस की इस खास पेशकश में हम चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था, आपको याद होगा 30 अक्टूबर का एपिसोड भी हमारा खास होगा। ये दिवाली एपिसोड होगा। दिवाली त्यौहार होता है अपने मन से सारी नकारात्मकता को दूर करने का। घरों में भी हम सफाई करते हैं, मकसद होता है कि जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है वो बाहर हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आए। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, धन धान्य की स्थिति बेहतर हो, आपकी समृद्धि अच्छी हो, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है तब जब जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो। तो उस पर बात होगी 30 अक्टूबर के एपिसोड में। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत। नोट कर लीजिए ईमेल आईडी जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके तारे @aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो होगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त। अभी के लिए आगे चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।